चीफ रहमान साहब, रहमान साहब आपसे मेरा प्रश्न ये है कि देखिए जिसके पास ज्यादा सीटें ज्यादा जीत होगी जाहिर तौर पर पीएम उसका बनेगा, ये तो अभी आलोक जी भी ने कहा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी दावेदारी सीटें जितनी आई वो इस पीएम बनेगा। तो जाहिर तौर पर हर क्षेत्रीय नेता ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चाहेगा कि वो लड़ सके। ऐसे में सीट शेयरिंग सबसे बड़ी चुनौती होगी। ममता बनर्जी के एम्बिशंस भी हैं, नीतीश बाबू के भी हैं, सब पीछे में जो भी बोले अखिलेश यादव के भी हैं, सबको लगेगा यूपी में हमें सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने दिया जाए, हम ही यहाँ पर सबसे बाहुबली हैं। मतलब बाहुबली से मेरा मतलब है जीतने की क्षमता वाला नेता। ऐसे में सीट शेयरिंग कैसे होगी? देखिए, ये पहले ही ममता बनर्जी ने कह दिया था और राहुल गांधी जी इस बात से सहमत भी हैं कहीं ना कहीं, मगर ये चीजें फाइनल जो होगी बैंगलोर में होगी। कि ममता बनर्जी ने पहले कह दिया था कि भाई देखिए, आप जिस जिस राज्य में आप स्ट्रांग होल्ड रखते हैं, क्योंकि ऐसे 200 सीट कांग्रेस स्ट्रांग होल्ड रखता है जहां पे ममता बनर्जी खुद कैंपेन करने को तैयार है। और ममता बनर्जी ने कहा भैया देखिए, बंगाल में हम काफी स्ट्रांग हैं, तो आप यहां हमें कैंपेन करने दीजिए, आप कैंपेन करने के लिए आइए। मगर देखिए, सबसे बड़ी जो गठबंधन होगी वो होगी जनता के साथ, और जनता के भलाई के लिए अगर कुछ भी पॉसिबल होता है तो मुझे पूरा यकीन है कि ममता बनर्जी उस चीज को मानने के तैयार है। क्योंकि वो और नीतीश जी ही सबसे पहले खेमा से निकल के उन्होंने कहा कि भैया जनता के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो अगर एक दो सीट की शेयरिंग अगर इधर से उधर हुई तो आपको अपनी भी ईगो हटानी पड़ेगी, दूसरे की भी ईगो को देखना पड़ेगा, एंड थिंग्स कैन वर्क ऑन, मगर आपको जनता के लिए करना पड़ेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि बैंगलोर में जो मीटिंग होगी एक काफी सफल के तरफ से जाएगा और उसका जो आउटकम होगा बहुत अच्छा होगा। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कल बीजेपी जिस हमारी जो मजाक उड़ा रही थी कि देखो भैया देखो इन्होंने इतना काम किया 9 साल में कि इनको आज यूनिटी की जरूरत है, वो मजाक उड़ा रहे थे। मुझे ये जानना है कि आज अमित शाह जी को और जेपी नड्डा जी को हेडक्वार्टर के खिड़की के बाहर जाके यूं क्यों करना पड़ रहा है कि भैया आइए हमारे साथ भी अलायंस करिए, ठीक है? क्या जवाब पड़ गई? जवाब देंगे प्रेम शुक्ला जी, लेकिन संजय जी अब जितनी बातें यहाँ पर हुई है उसको पर्सपेक्टिव में इन आंकड़ों के साथ रखते हैं। पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन बीजेपी एंट्री मार रही है। चुनौती है सीट शेयरिंग की, ईगो को पीछे रखना होगा जनता के लिए, क्या ये मुमकिन हो पाएगा उसका जवाब आप मुझे दे नहीं सकते हैं। लेकिन क्या सीट शेयरिंग का एक ऐसा फॉर्मूला बन सकता है जहां 450 सीट्स पर बीजेपी वर्सेज एक उम्मीदवार विपक्ष का हो तो इनका खेल बिगड़ सकता है बीजेपी का? देखिए, मैं 3 राज्यों का उदाहरण दूंगा और यह बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने विपक्षी गठबंधन हो गया तो आप बीजेपी को बहुत नीचे ढकेल सकते हैं या बीजेपी का कड़ा मुकाबला कर सकते हैं। कुछ राज्यों में तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, गठबंधन की जरूरत है। 2019 में पार्टियों को जितना वोट आया, अगर उसके आधार पर विश्लेषण करूं, गुजरात के 26 लोकसभा सीट बीजेपी ने सारी सीटों पर 50% से ज्यादा वोट लाया था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो भी गया, और इन्हीं दोनों को गठबंधन होने की जरूरत है क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां नंबर 3 की पार्टी हो गई है, तो भी आप बीजेपी को एक भी सीट पर हरा नहीं सकते 2019 के चुनाव के आधार पर देखें तो। कई ऐसे लोकसभा सीट है जहां बीजेपी का वोट प्रतिशत 60% 65% है। अगर आप दिल्ली की बात करें, 7 की 7 सीटों पर बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट लाया था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो भी गया तो कोई फायदा नहीं होगा, बीजेपी को नीचे नहीं ला सकते अगर बीजेपी के खिलाफ नेगेटिव स्विंग नहीं होता है तो। पंजाब की बात करें, पंजाब की 13 सीटों में से कांग्रेस 8 सीटों पर जीत चुकी थी 2019 के चुनाव में, 2 सीटों पर अकाली दल, 2 सीटों पर बीजेपी। तो वहां पे भी अगर गठबंधन हो भी जाए और एक सीट आम आदमी पार्टी के पास, अगर वहां भी गठबंधन हो जाए तो कोई बहुत बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। बीजेपी और उनके गठबंधन को सिर्फ 4 सीटें थी आप, और उनमें से भी 2 सीटें ऐसी थी जिस पर 50% से ज्यादा वोट था बीजेपी और अकाली दल गठबंधन को। यह जरूर है कि गठबंधन टूट गया है। हाँ, अगर बंगाल की बात करें, अगर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन हो जाए तब जो बीजेपी को जो 18 सीटें आई थी वो बीजेपी सिमट के 7-8 सीटों पर आ सकती है। अगर गठबंधन नहीं हुआ, विवेक जी, हाँ, क्या ये हो पाएगा जो संजय जी कह रहे हैं, क्या ये हो पाएगा? नहीं, देखिए गठबंधन, ये इस गठबंधन बीजेपी ये भी बार बार याद दिलाती है कि केरल में कैसे आप दुश्मन हैं एक दूसरे के, आलोक जी और आप वाम दलों की वहां पर लड़ाई है केरल में, और पश्चिम बंगाल में हाथ मिलाते हैं। नहीं देखिए, कम्युनल फोर्सेस को साइड में हमें रखना था, तो आज से नहीं, सालों से, इंडिपेंडेंस के पहले भी ये एक निर्णय था कि देश के जनवादी आंदोलन को अगर कांग्रेस हेड कर रही है तो उस सेकुलर पॉलिटिक्स को हम समर्थन देंगे केंद्र में।
तो हम सालों से बंगाल में भी पहले लड़े, एक साथ केरल में भी लड़े, लेकिन केंद्र की राजनीति में एक एक हमें लगा कि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है जो जिसने इस देश के सेकुलर फैब्रिक को बचा करके रखा, तो इसलिए हमने हमेशा एक समर्थन दिया। और अभी हम हमारा बंगाल बिहार में भी टाई अप रहा है, बंगाल में भी टाई अप रहा है, तो ऐसा नहीं है, तो हम समर्थन, तो ये एक अलग इशू हो गया। दूसरी चीज, संजय भाई जो बात कह रहे थे, मैं उसमें आना चाहूंगा। देखिए, आंकड़ों को जोड़ने से और अर्थमेटिक लगाने से बात नहीं होती है। इस देश में एक इंडिया शाइनिंग हुआ करता था और अटल बिहारी वाजपेयी हमारे माननीय प्रधानमंत्री होते थे, इंडिया शाइनिंग भी फेल हुआ था। और ये गणित जिसकी आप बात कर रहे हैं जोड़ करके, ये भी गलत तरह का गणित है, क्योंकि आपने आंकड़ों को तो जोड़ दिया कि साहब आम आदमी पार्टी के इतने हैं तो कांग्रेस के इतने हैं, तो अगर ये जुड़ करके लड़ गए तो साहब बीजेपी का ये हो जाएगा। ये ऐसे नहीं है, आप स्थिति को भी तो देखिए, आप पॉपुलैरिटी ग्राफ का गिरना भी तो देखिए, आप वोट परसेंटेज का जो शेयर आने जाना है उसको भी तो स्टडी करिए, तब आप जाकर के इस प्रेडिक्शन को कर सकते हैं। और यही चीज पंजाब के लिए भी ट्रू होगी, तो ये कहना ये गलत है। लोकसभा का चुनाव अलग मुद्दों पर लड़ा जाएगा। ठीक ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, 2004 को 2023 में विपक्ष दोहराएगा। देखिए, उनके पास इस तर्क के अलावा क्या तर्क है? 2004 में भारतीय जनता पार्टी का वोट, 2019 में भारतीय जनता पार्टी का वोट, 2004 की स्थितियां, 2024 की स्थितियां। 2004 में जिस तरह से कांग्रेस और शेष लोग लड़े थे, और 2024 में जैसे लड़ रहे हैं, भाई राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी और प्रियंका वड्रा, नया नेतृत्व था और कांग्रेस को 10 सीटें उत्तर प्रदेश में भी 2004 में मिली थी। पिछले चुनाव में आप सिर्फ रायबरेली की सीट बचाए हो, विधानसभा चुनाव में आप एक सीट दो सीट पर आ गए हो। तो कांग्रेस जो है, जिस तरह से वहां विदा हुई है, जिस तरह से आप उनकी वायनाड की भी स्थिति, अगर सीपीएम के साथ समझौता ना करें तो वायनाड की सीट भी श्रीमान राहुल गांधी जीत नहीं सकते। तो जिसको अपने शत्रु को गले लगाने के लिए, सीताराम येचुरी से जो प्यार है, ये इस बात का प्यार नहीं है, ठीक है, कि ये 1947 के पहले के समर्थक है। हाँ। इसलिए प्यार है कि अब वायनाड में भी जो है नैया पार हो पाएगी बिना जो है वहां पीएफआई के, बिना एसडीपीआई के और बिना कम्युनिस्टों के, ये स्थिति है। देखिए, मुझे लगता है अभी कर्नाटक के अंदर जो हुआ उसके बाद बीजेपी को अहंकार नहीं करना चाहिए। बिहार में जेडीयू था इसलिए आप इतनी सीट ले आए, इस बार 5 सीटें नहीं आएंगी बिहार में अगर अकेले लड़ेंगे तो। 2014 के बाद 2015 में भी बिहार में आपकी 46 विधानसभा की सीटें आई थी, उस समय आपका ग्राफ पीक पर था वेस्ट बंगाल में। इस बार आप देखिएगा कि अगर आज के ही आंकड़े आज तक पे जो आज चल रहे हैं देख लें तो आपका खाता नहीं खुलेगा। महाराष्ट्र में अगर आपकी इतनी अच्छी पोजीशन थी तो आपको तोड़फोड़ करके वो चक्की पीसिंग वालों को साथ नहीं लेना चाहिए। अभी संजय भाई ने एक बात कहा कि वहां ये हो जाएगा वहां हो जाएगा, मैं पूछना चाहता हूं क्या पंजाब में अकाली अगर नहीं होंगे तो बीजेपी का खाता खुल जाएगा क्या? बीजेपी के पास आज प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए पंजाब में कांग्रेस से कैंडिडेट लेने पड़ रहे हैं। आप देखिए किस तरह से तमाम राज्यों में आदमी पार्टी के बारे में भी कह रहे थे सर, कम से कम 125 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी की कम होंगी, और इस बार बीजेपी 200 का आंकड़ा अपने बल पर आज की तारीख में पार नहीं कर रही। अलायंस अगर अच्छा होगा तो बीजेपी 150 का आंकड़ा पार नहीं कर।